नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ब्रज में जन्मे कृष्ण कन्हाई, घर घर गूंजी बधाई, सवा मन पंचामृत से हुआ महाअभिषेक। सोमवार रात 12 बजे मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर घंटे, घड़ियाल, ढोल नगाले, झांझ मजीरे और मृदंग बज उठे। शंख की आवाज़ के साथ ही मंगल ध्वनि गूंजने लगी। हरिबोल के जयकारों के साथ ही कृष्ण भक्त नाच उठे। संपूर्ण मंदिर परिसर में अजन्मे के जन्म के उत्साह में सराबोर हो गया। तिथि अष्टमी भाद्रपद जन्मे कृष्ण मुरार प्रगटे आधी रात को सोए पहरेदार के पद की गूंज सुनाई देने लगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हजारों भक्त इन पलों में ठाकुर जी के दर्शन कर भाव विभोर हो गए। मथुरा में सोमवार कान्हा के जन्म के दर्शन की अभिलाषा के साथ आए भक्तों का हुजूम श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास उमड़ पड़ा। दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रहीं। घंटों इंतजार के बाद भक्तों को कन्हैया के अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए। दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्य श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भगवान की जन्म और लीला भूमि की अलौकिक छवि ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जन्मस्थान को जाने वाले सभी रास्तों के साथ साथ तिराहे चौराहे की सुंदरता आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्री कृष्ण जन्मस्थान की खूबसूरती ने अद्भुत छटा बिखेरी। श्री कृष्ण जन्मस्थान के साथ ब्रज के अन्य मंदिरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मथुरा से विवेक स्वरूप के साथ ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। कोविड-19 के अंतर्गत देखते हुए अगर जो देखी जा सकती है वो इस समय अवेलेबल नहीं है। ये देखी जाए तो आज श्रद्धालु मतलब हर पार्क ऐसी ही सजाई जाएगी और इसको ऐसा ही सुंदर आकर्षण किया जाएगा। मैं मथुरा से कोविड जाता हूँ इसीलिए देखिए आज कृष्ण जन्मोत्सव का पावन पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्म स्थान पर हम सभी लोग यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी ब्रिजवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि सभी दर्शनार्थी श्रद्धालु जो आज अपने आराध्य को यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए हैं उनकी सुरक्षा, सुगमता और सुविधा के लिए जो भी प्रबंध किए गए हैं वो उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक लिए साबित होंगे और वो यहाँ से आज बहुत ही अच्छी स्मृतियाँ लेकर के जाएंगे। पूरी व्यवस्था को देखने के लिए सभी अधिकारी और हमारे जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के कर्मी हैं लगातार मुस्तैद हैं और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला रहे हैं। सर आज जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है इस पर्व में आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने मथुरा की जनता को? तेजी से आगे बढ़ाया जाता जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।